अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले देश भर में ऑक्सीजन उपलब्धता पर एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि देश भर में प्रधानमंत्री केयर्स फंड यानी पीएम केयर्स फंड से 1500 ऑक्सीजन प्लांट और 4 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड के लिए ऑक्सीजन की तैयारी की जा रही है और प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा आदेश है कि जल्द से जल्द इन 1500 ऑक्सीजन प्लांट्स की को बनाकर तैयार कर दिया जाए और साथ ही इसकी मॉनिटरिंग एक हाई लेवल तरीके से हो, एडवांस तरीके से हो कि इसकी इसको चलाने की ट्रेनिंग भी तेजी से लोगों को दी जाए। विक्रांत जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ मेडिकल स्टाफ को ट्रेन कराने के लिए और साथ में ये भी कहकर कि 1500 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स जिनकी वजह से कम 4 लाख बेड्स तैयार होंगे ऑक्सीजन सप्लाई के साथ मरीजों के लिए देश भर में। देखिए बिल्कुल आनंद, एक बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री ने की, समीक्षा बैठक थी और ये कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन की भारी कमी कई इलाकों में देखी गई थी देश के, अगली संभावित जो आशंकित लहर है तीसरी, उसमें इस तरीके की कोई ये चूक ना हो, किसी तरीके की कोई कमी ना हो, इसके लिए सरकार पहले से ही हर संभव कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री ने ये जो बात की है कि 1500 उनको बताया गया कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है, ये पीएम केयर फंड और विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से बन रहे हैं और बहुत जल्द ये बनकर तैयार हो जाएंगे। खास बात यह है कि ये देश के हर जिले में ये ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं वहीं पर अस्पतालों के जो कर्मचारी हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाए, तो अधिकारियों ने बताया कि बिल्कुल उनके लिए भी ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है और ये लक्ष्य रखा गया है कि 8000 लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी की जा रही है कि किसी तरह की कोई लोगों को असुविधा आगे ना हो, अगर इस महामारी से निपटने में जो भी नई चुनौतियां आएंगी उसका सामना करने के लिए सरकार पहले से तैयार होगी।